हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, सर्कल की डेफिनेशन की हमने, सर्कल के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होती है, और इस एक्सरसाइज के अंदर जो जो फॉर्मूले यूज होंगे, जो जो प्रॉपर्टीज यूज होगी, सबसे पहले मैं आपको वो लिखवा देता हूँ ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको आसानी हो। तो पहले आप सारी की सारी चीज़ें ये नोट डाउन कर लो जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मान लो ये एक सर्कल है और एक्सटीरियर पॉइंट से जो सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट होता है, इससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक मान लो ऐसी टेंजेंट है और एक मान लेते हैं ये वाली टेंजेंट है। जनरली हम इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये पॉइंट पी है तो इसको आप नाम दे दो पी ए और इसको नाम दे दो पी। तो पी ए और पी बी क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। और मैंने आपको क्या बताया था? दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है उससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। दूसरा आपका रूल आप यूज कर लो जो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के आपने चार रूल पढ़े हैं, लेकिन हमारे टेंथ क्लास में सिर्फ एक रूल ज़्यादा काम आता है, वो है आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड। मैं आपको पूरा रिमाइंड करा दूंगा ये क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड। अगर मान लो दो राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल के ऊपर रूल यूज होता है। मान लो मैं दो राइट ट्रायंगल बना देता हूँ। राइट ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक हमने ये ट्रायंगल बना दी और एक हमने ये ट्रायंगल बना दी। तो हम इन दो राइट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, सबसे पहली कंडीशन होती है कि दोनों का हाइपोटेनियस तो क्या होना चाहिए? इक्वल होना ही होना चाहिए 100%। ये मान लो ट्रायंगल है एबीसी, ये मान लेते हैं ट्रायंगल है पीक्यूआर। दोनों का हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए? इक्वल, राइट हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस तो इक्वल होना ही होना चाहिए, इसके बिना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम नहीं कह सकते। हाइपोटेनियस के अलावा बाकी कोई भी एक साइड, देखो दो बच गई, एक ये साइड एक ये साइड, ठीक है। ये साइड मान लो इसके इक्वल है, या फिर ये साइड इसके इक्वल हो जाए, मतलब कि बाकी दोनों में से कम एक साइड का इक्वल होना जरूरी है। एक तो हाइपोटेनियस फिक्स हो गया, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का फिक्स होता ही है। इसके अलावा मैं कहता हूँ ये तो दो साइड बच गई ना, इनमें से कोई एक साइड इक्वल हो जाए इस ट्रायंगल के, तो ये ट्रायंगल दोनों क्या कहलाएगी? आपकी कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। कौन से रूल से? राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी कि आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो इसमें क्या होता है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सारा नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो सारी, कोई भी चीज़ नई नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो ए सी हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या है? पी आर आपका इक्वल है। अगर मान लो ए बी और पी क्यू इक्वल है और एंगल वन और एंगल टू दोनों क्या है आपके 90 डिग्री है, तो हम कहते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, किससे? बाय सी पी सी टी, और आपको पता है सॉरी बाय आर एच एस। दोनों ट्रायंगल राइट हाइपोटेनियस साइड रूल से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और आपको ये पता होना चाहिए अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी रूल क्या होता है? सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये होता है सी पी सी टी की फुल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसका मतलब ये है कि ये तीसरी साइड जो बच गई ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं? इक्वल कह सकते हैं, किससे? बाय सी पी सी टी से, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रूल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखो अब, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये सारी की सारी चीजें जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, वहां पे काम आएगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डेफिनेशन होती है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम हो और रेडियस क्या हो? अलग अलग हो। जैसे मान लो आपने कंपास ली और यहाँ पे रख के आपने क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ये आपने एक सर्कल बना दिया और फिर कंपास को आपने यही रखे रखा, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा खोल ली आपने कंपास को और एक और सर्कल बना दिया आपने इसके बाहर, क्या बना दिया? एक और सर्कल बना दिया। तो ये दोनों सर्कल क्या है? आपके कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक की डेफिनेशन क्या हुई? सर्कल्स हुज सेंटर इज सेम, हुज सेंटर इज सेम, सेंटर सेम होता है दोनों का बट डिफरेंट रेडियाई। रेडियाई क्या होती है? आपकी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, एक की छोटी एक की बड़ी। देखो रेडियस जो वर्ड होता है ना, रेडियस,
रेडियस तो सिंगुलर वर्ड है, रेडियस क्या है, वर्ड सिंगुलर है, और रेडियाई जो होता है वो और कुछ नहीं है, रेडियस से ही बना है, ये इसका प्लूरल है, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा रेडियस को हम रेडियस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। तो देखो इस सर्कल की रेडियस छोटे वाले की ये है इतनी इतनी, और बड़े वाले की रेडियस जो है वो क्या है आपकी, ये पूरी रेडियस है, इसको मैं स्मॉल आर नाम दे देता हूँ, इसको मैं कैपिटल आर नाम दे देता हूँ बड़ी रेडियस को। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब आप समझ गए कि एक सर्कल के दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिनके सेंटर क्या हो सेम लेकिन रेडियस आपकी क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। वैसे तो काफ़ी प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की, लेकिन मैं आपको वही प्रॉपर्टी सिखाऊंगा जो आपके इस चैप्टर में काम आएगी। देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये दो लाइन अगर पैरेलल है और ये इसकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होती थी, एक ऐसी लाइन जो इन दो पैरेलल लाइन एल और एम को दो अलग अलग पॉइंट्स में कट करती है, एक इस पॉइंट के ऊपर और एक इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जस्ट, अगर ये दो लाइन पैरेलल है एल और एम और ये इसकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और एंगल टू, ये वाले एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ये फिक्स है, ठीक है। एंगल वन प्लस एंगल टू कितना होता है, 180, कब होता है, व्हेन एल इज पैरेलल टू एम, जब ये दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। इनको क्या बोलते हैं, एंगल वन एंड एंगल टू आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, इनका नाम होता है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। जो जो ये ट्रांसवर्सल होती है इसकी एक तरफ होते हैं, जैसे राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक है, और पैरेलल लाइंस के दोनों अंदर होंगे, यानी कि यहाँ पे नहीं बनेगा, बाहर नहीं बनेगा, अंदर बनेंगे दोनों, यहाँ पे बनेगा एक, यहाँ पे बनेगा, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल क्या होंगे आपके, इनका दोनों का सम कितना होगा, 180, यानी कि दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, क्यों, जिन दो एंगल का सम 180 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब ये होता है कि हम उल्टा ये भी कह सकते हैं कि अगर इन दो एंगल का सम 180 हुआ तो ये दो लाइन हमेशा ही क्या होगी आपकी, पैरेलल होगी, ठीक है। इफ़ एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 देन L इज पैरेलल टू M, यानी कि हम दोनों चीज़ें एक साथ कह सकते हैं, कहते हैं L और M अगर पैरेलल होगी तो दोनों का सम 180 होगा, दोनों का सम 180 होगा तो L और M क्या होगी, पैरेलल, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, देखो ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो हमने ये ट्रायंगल बना दी एबीसी, ये बना दी एबीसी ट्रायंगल, इसमें मैंने कोई भी दो एंगल ड्रॉ कर दिए, एक ये और एक ये, ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या है आपके, इक्वल है, ये दोनों एंगल, एंगल लेट कर लेता हूँ मैं, एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये दो एंगल इक्वल है ना, इस एंगल के ओपोजिट में यानी कि सामने कौन सी साइड है बताओ, ये वाली साइड है कौन सी, एसी, और इस एंगल के ऑपोजिट में कौन सी साइड है आप देख लो कौन सी है, ए बी, तो देन ए सी इक्वल टू क्या होगा आपका, ए बी होगा, यानी कि अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है ना, तो बी के ऑपोजिट में साइड कौन सी, ए सी, और सी के ऑपोजिट में साइड कौन सी, ए बी, ये दोनों भी क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। इसको बोलते क्या है कि इक्वल एंगल के जो सामने वाली साइड्स होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, साइड्स opposite to, sides opposite to equal angles, यानी कि equal angles के सामने वाली जो sides होती है are also equal, ठीक है। तो ये property आपको याद रखनी है कि दो angle अगर equal है तो उनकी opposite वाली side equal होगी, और दो side अगर equal है तो उनके opposite वाले angle equal होंगे, तो ये भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। ये आपका था fifth point, अब आप लिख लो sixth point, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। देखो नाइन्थ क्लास में सारी चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से,
पैरेललोग्राम, रोम्बस। सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम बताता हूँ। देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम आप कब कह सकते हो, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ आज की क्या कंडीशन ट्रू हो जाए कि हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अगर इसकी ओपोजिट साइड्स ये दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल, और ये दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल। इक्वल नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पैरेलल कह रहा हूँ। अगर दोनों के दोनों पेयर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इफ इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, बस अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ना, देन हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होती है, एक पैरेललोग्राम होती है। ए बी सी डी क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। अच्छा, आप ये बताओ मेरे को, पैरेललोग्राम के अलावा बात करें, अगर हम स्क्वेयर की, रेक्टेंगल की और रोम्बस की, स्क्वेयर, रेक्टेंगल और रोम्बस, ये तीनों देखो, ये इनके स्पेशल नाम है, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सबकी अलग अलग क्या होती है, प्रॉपर्टी। लेकिन इन तीनों को हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑल पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स ऐसे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये तीनों की तीनों पैरेललोग्राम तो है ही है। क्यों? क्योंकि स्क्वेयर आप देखो जैसे बनाते हो, स्क्वेयर ऐसे बनता है चारों साइड जिसकी इक्वल हो और हर एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का। स्क्वेयर के अंदर भी आप क्या कह सकते हो कि ये मान लो स्क्वेयर है ए बी सी डी, इसमें भी क्या होता है आपका, ए बी पैरेलल होता है सी डी के और ए डी पैरेलल होता है किसके, बी सी के। और मैंने भी क्या बताया, जिस भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, वही क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, आपकी पैरेललोग्राम होती है। तो ये पैरेललोग्राम तो है ही है, साथ में ये कुछ और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, जैसे चारों साइड इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाती है, स्क्वेयर कहलाती है। लेकिन इसका जो जनरल नाम है वो क्या है, पैरेललोग्राम। जैसे जितने भी आपकी क्लास में लड़के होते हैं, उनको हम लड़के तो बोल ही सकते हैं, लड़के बोलने में कोई दोराय नहीं है, लेकिन सबका क्या होता है, अपना अपना एक स्पेशल नाम होता है। ऐसे स्क्वेयर को, रेक्टेंगल को, रोम्बस को, इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं, लेकिन इनका अपना अपना क्या होता है, एक स्पेशल नाम भी होता है। किसी का स्क्वेयर होता है, किसी का रेक्टेंगल होता है, किसी का रोम्बस होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसी प्रॉपर्टी के अंदर स्टार डाल के लिख लो कि कोई पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगी, रोम्बस कब बनेगी। एक पैरेललोग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसको रोम्बस प्रूव करो, तो मैं आपको बताता हूँ, इसी पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस प्रूव करना है तो क्या चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेगी। देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको सबको पता है कि ऑपोजिट साइड्स इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल का मतलब, जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 10, और ये मान लो 6 है तो ये भी कितनी होगी 6। लेकिन ये जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम के लिए कि ये साइड और ये साइड भी क्या हो, इक्वल हो। और इन दो साइड को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। देखो, एडजेसेंट और ऑपोजिट का क्या मतलब होता है, ए बी और सी डी, जो ए बी है और सी डी है, देख लो डायग्राम में, ये ए बी, ये सी डी, इनको तो क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, एक होती है एडजेसेंट, एडजेसेंट, ये सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एडजेसेंट क्या होती है, जैसे एक ये ए बी साइड है और एक ये बी सी साइड है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं, ए बी एंड बी सी। इसी तरह से बी सी और सी डी, सी डी और डी ए, डी ए और ए बी, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। तो देखो, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड तो सबको पता है क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन रोम्बस की क्या खास बात होती है, आप कहोगे जी रोम्बस में तो चारों साइड इक्वल होती है, तो फिर हमें चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है। आप एक बात बता दो बस मेरे को, इसमें ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है, ये 6, ये 6, ये 10, ये 10, और रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये 10 है, ये 10 है, मान लो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये साइड भी 10 है, तो ऑपोजिट तो वैसे ही इक्वल होती है, तो ये भी 10। तो कहने का मतलब, अगर मैं इन दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दूं, तो वो जो पैरेललोग्राम थी अब क्या बन जाएगी, स्पेशली वो रोम्बस बन जाएगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लो, इफ इफ टू एडजेसेंट साइड्स, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए
पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि एक पैरेललोग्राम है और उसकी दो एडजेसेंट साइड आपने इक्वल प्रूव कर दी, देन इट बिकम्स ए रोम्बस। तो वो क्या बन जाएगी, एक रोम्बस बन जाएगी, इट बिकम्स ए रोम्बस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आपके काम आने वाला है जब आप थ्योरम्स को या क्वेश्चन को प्रूव करोगे। क्या अगर आपको पैरेललोग्राम दे रखी है और कुछ भी आपको प्रूव नहीं करना, सिर्फ इन दो एडजेसेंट साइड को क्या प्रूव कर दो, आप इक्वल प्रूव कर दो और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब सेवन्थ प्रॉपर्टी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये मैं काफ़ी बार आपको पहले भी बता चुका हूँ और मैं हर बार आपको ये बताता हूँ कि इनका रोल मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी बच्चों को नॉलेज होती है ना, तो उनके बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं बिना कोई कैलकुलेशन करे। क्योंकि अब आपके 50% क्वेश्चन क्या आते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने आपको बताया है सोल्व करके देखने की आपको जरूरत नहीं होती, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उसी से हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आप पहले तो ये लिख लो कौन कौन से होते हैं, 3, 4, 5, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है। फिर आप लिख लो 7, 24, 25, फिर आप लिख लो 5, 12 और 13, फिर आप लिख लो 9, 40 और 41, और एक आप लिख लो 8, 15 और 17। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का देखो मतलब ये होता है, जैसे 3, 4, 5 है, इसका मतलब ये है कि एक राइट ट्रायंगल है। मान लो एक क्या है आपकी राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। इस 3, 4, 5 में सबसे बड़ी साइड कौन सी है बताओ, 5। और आपको पता है राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, आपकी हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर किसी राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस 5 है तो जो बाकी दोनों साइड है ना वो 100% 3 और 4 होगी, एक 3 होगी और एक क्या होगी, 4। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 हो सकती है तो ये कितनी होगी, 4, या फिर ये 3 होगी तो ये कितनी होगी, 4। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है इसको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। आप खुद देख लो ये 25 है, ये 9 है और ये 16, और 9 और 16 भी कितना होता है, 25, 25 और 25 तो क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि ट्रू है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये तीन साइड 3, 4 और 5 मिलके क्या बनाएगी, आपकी एक राइट ट्रायंगल बनाएगी। ठीक है, इसी तरह से 7, 24, 25 भी राइट ट्रायंगल बनाएगी। ठीक है, आप सोल्व करके देख सकते हो इसको। देखो इसका क्या मतलब है कि 25 का स्क्वेयर इक्वल होगा 7 का स्क्वेयर प्लस में 24 का स्क्वेयर। मेरे कहने का मतलब ये है अगर मान लो आपको कोई राइट ट्रायंगल बनी आ गई एग्जाम में ऐसी, और ये कहे कि ये साइड कितनी है, 25 है, ये कितनी है, 7 है, तो तीसरी साइड निकालो। आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लो। अगर ये 25 है ना तो ये पक्की एक 7 होगी और एक कितनी होगी, 24। अगर दोनों भी आपको ना गिवन हो ना, ये 25 है और बाकी दोनों साइड में कोई आपको एक रिलेशन गिवन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव, आपको वो रिलेशन सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों साइड में से एक 7 होगी और एक कितनी होगी, 24। ठीक है, इसी तरह से 5, 12 और 13 का, ठीक है, इस तरह से जैसे कि मान लो आप करोगे 5 का स्क्वेयर करोगे प्लस में 12 का स्क्वेयर करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 13 का स्क्वेयर। लेकिन बच्चे इसमें एक जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं कि मान लो ये साइड आपकी 5 है और अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये 12 है, तो कहते हैं तीसरी साइड निकालो। अब मैं ये कहता हूँ, मैंने क्या कहा कि ये आपका हाइपोटेनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या ये हाइपोटेनस है, कोई बच्चा जल्दबाजी में क्या लिख देगा, इसको 13 लिख देगा, 5, 12, 13, लेकिन नहीं, वो हाइपोटेनस 13 होना चाहिए, तब इनमें से एक साइड 5 होगी और एक कितनी होगी, 12, लेकिन यहाँ पे तो हाइपोटेनस 13 है ही नहीं, तो फिर हम क्या लगाएंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है आपका बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, यानी कि 12 का स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर और प्लस में क्या होगा आपका पी स्क्वेयर, तो यानी कि पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है आपकी, √119। तो गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है, जो भी चीज़ गिवन है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो ये मैंने आपको इस जो एक्सरसाइज अपनी 10.2 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, उसके सारे जितने भी बेसिक पॉइंट थे ना वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए। अब जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।